हरे कृष्णा राधे राधे। आज इस वीडियो में हम कुछ जानेंगे नहीं, आज इस वीडियो में हम अपनी अंतरात्मा का, अपने मन का एक प्रमाण देखेंगे कि वाकई क्या हम अंदर से कैसे हैं, हम क्या सोचते हैं। ठीक है, इसके लिए हमारा एक प्रश्न आता है, क्या हम भगवान के ऊपर विश्वास करते हैं? आज हम अपने मन को टटोलेंगे और इस प्रश्न का जवाब अपने मन से लेंगे। ठीक है, मोस्टली होता क्या है, हम कहते हैं हाँ बिल्कुल हम भगवान पे विश्वास करते हैं, हम पूजा करते हैं, हम पाठ करते हैं, हम सेवा करते हैं और भक्ति करते हैं, भजन कीर्तन करते हैं, मंदिर में जाना अच्छा लगता है, हम भगवान पे विश्वास करते हैं। बट क्या वाकई हम भगवान पे विश्वास करते हैं? इस प्रश्न का उत्तर अपने मन से ज़रूर पूछिए। कहने को हम कह देते हैं बट जब परिस्थिति आती है तो वाकई आपका मन भगवान पे टिका रहता है? वाकई आपको लगता है कि हाँ जो मेरे कान्हा जी करेंगे वो बिल्कुल सही होगा? क्या आप उनको कहते हो कि कान्हा जी देखो ऐसा कर देना मेरे लिए? इस चीज का प्रश्न अपने मन से पूछिएगा जरूर। अब इस प्रश्न से रिलेटेड मैं आपको एक छोटी सी कथा सुनाती हूँ। एक हमारे एक परिवार थे, उनके जो बेटे थे वो बहुत भक्ति पूजा पाठ करते थे। वो परिवार के अंदर माता पिता और उनका एक ही बेटा था। अब माता पिता दोनों बहुत भक्ति पूजा सेवा पाठ करते थे, घर का वातावरण भी बहुत संस्कारी था, बहुत अच्छा वातावरण, और जिस तरह से बच्चों को भी शिक्षा दी जाती है कि तुम्हें ये करना है, इस तरह से पूजा करनी है, उस तरह से उस लड़के को भी शिक्षा मिली हुई थी। अब वो भी भगवान को बहुत मानता था, कान्हा जी को बहुत प्रेम भी करता था। अब एक बार क्या होता है कि इस कॉलेज की तरफ से उनका कैंप जाता है, ठीक है, हिमालय पर्वत चढ़ने के लिए, पर्वतारोही जो होते हैं। अब वो लड़का अभी कहता है अपने माता पिता को कि भाई मैं उस कैंप में जाऊंगा। उसके माता पिता कहते हैं ठीक है भाई, पूरा कॉलेज जा रहा है तुम भी जाओ। अब वो लड़का कैंपिंग में चला जाता है। पर्वतारोही होते हैं ना जो पर्वतों पे, बर्फ के बड़े बड़े पर्वतों पे चढ़ते हैं। अब वो चढ़ना शुरू करते हैं तो उनके छोटे छोटे ग्रुप बने होते हैं, 8-8, 10-10 लोगों के। ऐसे ग्रुप्स के अंदर वो ग्रुप के ग्रुप चल रहे होते हैं खड्डे साथ होके। तभी क्या होता है, बहुत भीषण तूफान आ जाता है, बहुत भयंकर बर्फीली हवाएं चलने लगती हैं और सारे लोग अलग 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 हो जाते हैं। ठीक है, और एकदम ही क्योंकि पहाड़ बहुत ऊंचे होते हैं तो वहाँ पे एकदम ही अंधेरा छा जाता है, कोई किसी को देख ही नहीं सकता है। थोड़ी देर बाद थोड़ा वातावरण शांत होता है बट ठंड बहुत बढ़ जाती है, ठंड सरों से बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और स्नोफॉल शुरू हो जाती है। अब वो लड़का देखता है कि मैं एक अकेला पड़ा हुआ हूँ, वो बर्फ के अंदर गिरा हुआ होता है, वो अकेला होता है। वो उठता है, देखता है, कोई उसको आसपास नहीं दिखता, बहुत आवाज़ें लगाता है अपने फ्रेंड्स को, अपने टीचर्स को, बट कोई उसको नहीं मिलता। अब वो बेचारा हिम्मत करके थोड़ा सा खड़ा होता है, स्नोफॉल हो रही होती है, बहुत ठंड हो रही होती है, तो वो कहता है मैं क्या करूँ। तो बहुत आवाज़ें लगाता है, कोई उसको दिखता नहीं, कोई उसको मिलता नहीं। तो वो थोड़ी देर सोच के फैसला करता है कि भाई मुझे आगे चलना चाहिए और अदरवाइज ऐसा होगा कि मैं यहीं पे जम के मर जाऊँगा क्योंकि स्नोफॉल इतनी हो रही है और ठंड इतनी बढ़ रही है। अब वो धीरे 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 चलना शुरू करता है बट बहुत अंधेरे का टाइम होता है तो उसको रास्ता भी कुछ नहीं दिख रहा था और जो गिरा था उसमें उसका बैग वगैरह सब गिर गया था, तो उसके पास कोई सामान भी नहीं था, कुछ खाने की चीज़ भी नहीं थी, कोई टॉर्च लाइट रस्सी कुछ भी नहीं थी। अब वो बेचारा धीरे 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 चलना शुरू किया। सडनली क्या होता है, उसका पैर एक पत्थर के ऊपर लगता है और वो रोल 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 होता है, वो एक खाई की तरफ गिरने लगता है, खाई की तरफ गिरने लगता है तो अचानक ही उसके हाथ में एक पेड़ आ जाता है। अब वो पेड़ को पकड़ के लटक जाता है और बहुत आवाज़ें लगाता है सबको, अपने फ्रेंड्स को, सबको, और वो तो सोचता है भैया अब तो मैं खाई में गिरा और अब तो मैं मर जाऊँगा। अब वो बहुत ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें लगाता है, कोई नहीं आता, कोई नहीं आता, कोई नहीं आता। फिर अपने माता पिता को याद करता है तो कहता है एक बार मम्मी कह रही थी कि भाई तुम कान्हा जी को याद करो, हर मुसीबत में वो साथ देते हैं। अब वो कान्हा जी को याद करना शुरू करता है, भगवान मुझे बचाओ, भगवान मुझे बचाओ, कान्हा जी ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कान्हा जी वहाँ पे उसको एकदम आवाज़ आती है एक कि भाई मैं तुझे क्यों बचाऊँ? तो कहता है कान्हा जी आप मुझे नहीं बचाओगे तो कौन बचाएगा, मैं आप पे बहुत विश्वास करता हूँ। तो ऊपर से आवाज़ आती है कि अच्छा तुम वाकई मुझे मुझ पर विश्वास करते हो? तो कहता हाँ कान्हा जी मैं आप पे बहुत विश्वास करता हूँ। तो कहते हैं अच्छा ठीक है विश्वास करते हो तो अपने दोनों हाथ छोड़ दो, इस पेड़ को छोड़ दो। तो बोलते हैं विश्वास का मतलब ये नहीं कि मुझे आपके पास आना है, मुझे अभी इसी धरती पे रहना है, मुझे अपने माता पिता के पास रहना है और आप इससे मजाक नहीं करो मेरे साथ,
और प्लीज मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। देखो मेरे मम्मी पापा भी कितनी आपकी सेवा करते हैं, कितना आपको मानते हैं और मैं आपको कितना प्यार करता हूँ, प्लीज ऐसा नहीं करो। आप ऊपर से आवाज़ आती है, कोई आवाज़ नहीं आती, कोई आवाज़ नहीं आती। फिर बहुत आवाज़ें लगाता रहता है, कोई आवाज़ नहीं आती। फिर सोचते हैं क्या करूँ भाई, अब अगर मैंने हाथ छोड़ दिए तो मैं खाई में गिर के मर जाऊँगा, नहीं छोड़ता तो क्या करूँ। थोड़ी देर सोचता रहता है। फिर सोचता है देखो अगर मैंने हाथ छोड़ दिया तो मैं गिर के पक्का मर ही जाऊँगा, अगर मैं पकड़े रखता हूँ तो हो सकता है कि कोई आ जाए और मुझे बचा ले। इस उम्मीद के सहारे वो कस के पेड़ को पकड़े रखता है और सबको अपने फ्रेंड्स को आवाज़ें लगाता रहता है। अब ठंड इतनी होती है, स्नोफॉल इतनी होती है कि वो बेचारा पेड़ पे टंगा टंगा ही पकड़े ही और वहाँ जम जाता है और मर जाता है। सुबह उसके फ्रेंड जाते हैं वहाँ पे उसको ढूंढते हुए, तो देखते हैं पेड़ से वो लटका हुआ है और ज़मीन से सिर्फ 3 इंच की दूरी के ऊपर, मतलब जहाँ वो पेड़ पे लटका था वो खाई नहीं थी, वो सड़क का रास्ता था। जो वो पेड़ था उसने वो पेड़ जो पकड़ा था, अगर वो पेड़ छोड़ता तो वो गिरता भी नहीं, मतलब जंप भी कर जाता, सिर्फ इतना 3 इंच की दूरी कितनी होती है। तो अब अंधेरे में उसको तो पता नहीं चल रहा था कि ये खाई है कि सड़क है, या उसको कुछ दिख नहीं रहा था और उसने भगवान पे विश्वास किया नहीं। यही चीज़ हमारे साथ होती है अक्सर, हमारे मन में कुछ विचार आता है कि आज मेरे लिए ये होना चाहिए या भगवान रिजल्ट आने वाला है ऐसा हो जाए। हम कान्हा जी को अपना डिसीजन बताते हैं, उसके बाद बोलते देख लेना कान्हा जी प्लीज़ हमें पास करा देना, देख लेना ऐसा करा देना, देख लेना ये हो जाए। अगर हम उनको अपना डिसीजन बता रहे हैं तो फिर वो क्या बताएंगे, उन्होंने तो हमारे ऊपर छोड़ा है ना। देखिए अगर आप किसी पे विश्वास करते हैं, जैसे अगर आपको पता है कि मुझे अपने बच्चे को किस स्कूल में डालना है तो आप बच्चे से नहीं पूछेंगे कि बेटा आपको किस स्कूल में जाना है, आपको पता है वो नादान है उसको नहीं पता। आप प्ले स्कूल में डलवाते हैं, फर्स्ट नर्सरी प्रेप में डलवाते हैं, उस समय आप उनसे कंसर्न नहीं करते। जब बड़े बच्चे हैं जो कॉलेज जा रहे हैं वो एक अलग चीज़ है, और जब हम छोटे बच्चों की बात करते हैं, अभी तो हम भी कान्हा जी के लिए बिल्कुल छोटे ही हैं ना, जो हमारे संत महात्मा हो जाते हैं वो कॉलेज की डिग्रियां ले लेते हैं, उस समय कान्हा जी उनसे भी सलाह मशवरा करते हैं। बट जो हम हैं, हम बिल्कुल स्टार्टिंग हैं, उनसे कान्हा जी सलाह मशवरा नहीं करते, वो हमारे लिए वही करते हैं जो हमारे लिए सही होता है, हमारी सोच के हिसाब से नहीं करेंगे। अभी मुझे लगता है कि मेरे को ऐसा कुछ मिल जाए या मेरे घर में ये चीज़ आ जाए, मेरे घर में फ्रिज नहीं है, मेरे घर में फ्रिज आ जाए ये मेरे लिए अच्छा है, नहीं, मेरे कान्हा जी को पता है कि मेरी सेहत के लिए क्या अच्छा है। अगर वो फ्रिज मेरी सेहत के लिए अच्छा होगा तो वाकई आ जाएगा, और अगर नहीं होगा तो चाहे मैं कुछ भी कर लूँ वो नहीं आएगा। मेरे सोचने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मेरी सोच का फ़र्क कहाँ पड़ता है कि मैं हर चीज़ को, हर उस बात को एक्सेप्ट करूँ कि हाँ अगर मेरे कान्हा जी ने ये काम नहीं किया तो इसमें मेरी ही भलाई है, अगर ये चीज़ मेरे साथ हुई है तो इसमें मेरी ही भलाई है। यहाँ पे आके हमारा विश्वास बताता है कि वाकई हम क्या सोचते हैं और क्या होना चाहिए। यहाँ आके हमारे विश्वास की परीक्षा होती है कि हम कान्हा जी पे हमारा विश्वास अटल है और हम बिना सोचे। देखिए अगर हमें दुख भी होता है ना, जैसे अगर आपको मार्केट जाना है और सडनली और आपको शॉपिंग करना बहुत ज़रूरी है आज, क्योंकि कल आपको एक शादी के अंदर जाना है और आपके पास सामान नहीं है, और आप सोच रहे हैं कि अभी मैं मार्केट जा रही हूँ और तभी कोई आपके घर में सडनली आ जाए और आप बोलो ओहो ये क्यों आ गई, अब मैं मार्केट नहीं जा पाऊँगी, अब मैं सामान नहीं ला पाऊँगी, उस समय हमारे मन में ये विश्वास आए कि भगवान अगर आपने इनको भेजा है ना तो ज़रूर कुछ अच्छी बात होगी तभी ये मेरे घर में आए। उस समय हमारा मन क्या कहता, भगवान क्यों भेजा आपने इनको, अगर ये नहीं आते तो अच्छा खासा मैं मार्केट जा सकती थी। वो हमारे विश्वास की परीक्षा होती है। मन दुखी नहीं होना चाहिए, ठीक है, लास्ट में हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचता ना, फिर हम कहते चलो यार अब आ गई, अब इसको भगा तो सकते नहीं है, चलो भाई ठीक है चाय पानी नाश्ता कराओ इनको, बात करो इनसे, ठीक है। बट मन में एक अजीब सी कसक सी तो रह जाती है, वो कसक नहीं आनी चाहिए, तब हमारा विश्वास है भगवान पे। बट अगर वो सब बिना ऑप्शन के, मतलब कोई ऑप्शन ही नहीं है आपके पास और फिर आप उस चीज़ को सहन कर रहे हैं तो वो विश्वास नहीं कहलाएगा। आप कहो कि भाई भगवान पे विश्वास है इसीलिए मैंने सह लिया उस चीज़ को, नहीं। कोई बीमारी अचानक से आती है, कुछ होता है, तो हमारे मन में पक्का ये विश्वास होना चाहिए कि भगवान अगर ये काम हुआ है तो ज़रूर इसमें मेरी भलाई है, इसीलिए ये हुआ है।
पिछले जन्मों का आप मेरा कर्म कटवा रहे हो, या मेरे अगले जन्मों के लिए कुछ अच्छा बना रहे हो, या आप मेरे लिए कुछ अच्छा कर रहे हो, ये पक्का विश्वास हमारे मन में होना चाहिए कि भगवान ये हो रहा है तो ज़रूर इसमें मेरी ही भलाई है, ज़रूर इसमें मेरी ही भलाई है। अगर सास के साथ लड़ाई हो रही है और कुछ काम नहीं हो रहा घर का और कुछ नहीं हो रहा, तब भी मन में यही विश्वास रहे मेरे पिछले जन्म के कर्म कट रहे हैं, अच्छा है मैं जल्दी से जल्दी मुक्त होंगी, अच्छा है मैं जल्दी से जल्दी होऊंगी, इस तरह का जब भाव हमारे अंदर आ जाएगा ना, उस समय पता चलेगा कि हाँ हमारा विश्वास कान्हा जी के ऊपर पक्का है, पक्का है। बच्चे क्या करते हैं, बच्चे बोलते हैं कि मम्मी ये काम करना है, मम्मी चॉकलेट खानी है, मम्मी चॉकलेट खानी है, मम्मी चॉकलेट खानी है, ठीक है। अगर आपने बोला नहीं दांत खराब हो जाएंगे, या कल ही खाई थी नहीं दिलानी नहीं दिलानी, तो वो हर थोड़ी देर में बोलता ही रहेगा अच्छा ठीक है मम्मी, गुड बॉय बनना है, गुड बच्चा बनना है, इसलिए एक बार कह देगा अच्छा ठीक है मम्मी आप कह रहे हो नहीं खा रहा मैं, पर देख लो मम्मी मन तो बहुत कर रहा था चॉकलेट खाने का, देख लो मम्मी मन तो बहुत कर रहा था चॉकलेट खाने का, मम्मी पता है वो बच्चा भी एक चॉकलेट खा रहा था, मम्मी वहाँ पे भी मैंने देखा था चॉकलेट खाते हुए। इसको हम क्या कहते हैं, तुम मुझे इमोशनली ब्लैकमेल कर रहे हो, है ना। हम भी भगवान के साथ कुछ ऐसे ही करते हैं, भगवान देख लो करवा दो ये काम, इतने का प्रसाद चढ़ा दूंगा, इतने का ये कर दूंगा, एक बार बस ये हो जाए मेरे लिए तो फिर मैं ये करूँगा। जो भी हमारा दान होता है, पुण्य होता है, उस दान का पुण्य हमें मिलेगा तभी जब वो हम निस्वार्थ भाव से करेंगे, बिना किसी चीज़ को एक्सेप्ट किए हुए हम करेंगे, सामने वाले को ज़रूरत है ये सोच के हम करेंगे। हमें किसी चीज़ की ज़रूरत है और हमें वो मिल जाए और उसके बदले में हम कुछ करें, तो वो दान तो बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। कान्हा जी पे विश्वास रखें, बिल्कुल पक्का विश्वास, जो वो हमारे लिए करते हैं और जो करवाते हैं वो हमारे लिए हर तरीके से बिल्कुल और बिल्कुल और बहुत अच्छा होता है, तभी वो करवाते हैं। इस विश्वास की परीक्षा को आप अपने मन को एक बार झंझोड़ के देखिएगा ज़रूर कि क्या वाकई आपको कान्हा जी पे विश्वास है। मैं तो बहुत बार फेल हुई हूँ, पर्सनली मैं बहुत बार फेल हुई हूँ, बट हर बार कोशिश करती हूँ कि कान्हा जी इस क्लास में फेल हुई हूँ, अगली में ज़रूर पास होंगी, ज़रूर पास होंगी, और यही उम्मीद मैं आपसे रखती हूँ। देखिए हमारी आत्मा की जो आवाज़ होती है ना, वो हमारे तक ही रहती है, कोई उसको सुन नहीं पाता है, बट हमें तो उस आत्मा की आवाज़ को सुनना ही सुनना है, ठीक है। तो आप भी इसी तरह अपनी आत्मा से एक बार पूछिएगा ज़रूर, और अगर आंसर नहीं में आता है तो भी परेशान मत होइए, क्योंकि अभी हम सीख रहे हैं, अभी हम बच्चे हैं, अभी हम कान्हा जी के लिए बहुत बहुत छोटे हैं, तो मतलब भक्ति का तो बी भी अभी तक हमने नहीं देखा है, भी अभी हमने नहीं पढ़ा है, ठीक है। हम तो कहीं किसी लाइन में ही एग्जिस्ट नहीं करते हैं, तो किसी भी तरह से परेशान मत होइए, बस ये सोचिए भाई मैं इंसान हूँ, मैं गलतियाँ करूँगा, मैं सीखूँगा, बस हमें सीखना है और आगे बढ़ते जाना है। कान्हा जी को पाने का रास्ता बहुत लंबा है, बस लगे रहो प्रेम से भाव से, यही मैं कहूँगी, और उन पर अपना विश्वास बना के रखो। हमारी लाइफ में जो हो रहा है, जब हो रहा है, जैसा हो रहा है, उनकी मर्जी से हो रहा है और वो बेस्ट होगा, इस चीज़ का विश्वास रखिए। हम इंसान हैं, हमारी सोच, हमारी जो दृष्टि है, हमारे देखने का नज़रिया है, वो बहुत छोटा है, बहुत छोटा, वो बहुत सीमित है। हम अपने कल को, देखिए कल को तो हम भूल ही जाते हैं जो हमारे साथ हो चुका पास्ट, बहुत कम चीज़ें होती हैं जो हमें याद होती है, स्पेशली बुरी चीज़ें याद होंगी, अच्छी तो हम भूल ही जाएंगे। हम आज को देखते हैं, और जो आने वाला कल है उसके बारे में तो हमें कुछ भी नहीं पता, कुछ भी नहीं पता, तो हम तो किसी भी चीज़ को जज ही नहीं कर सकते हैं कि आज जो हमारा हुआ है वो हमारे साथ अच्छा हुआ है कि बुरा हुआ है। कल को जब उसका फल मिलता है ना, या थोड़ा समय के बाद हमें रियलाइज़ होता है यार अच्छा हुआ वो काम कान्हा जी ने करवा दिया था, या अच्छा हुआ मैंने कहा था और कान्हा जी ने नहीं कराया, अगर कान्हा जी करवा देते ना तो हम इस मुसीबत में फंस जाते। तो इसीलिए कहते हैं कान्हा जी पे विश्वास रखिए, और पूरा दृढ़ विश्वास रखिए, मतलब मजबूरी वाली बात नहीं है कि जब कोई और ऑप्शन नहीं बचा तो हम मजबूरी में कह रहे हैं चलो कान्हा जी ठीक है जैसा आपने करा दिया, ऐसे नहीं। पहले इंस्टेंट में ही होना चाहिए कान्हा जी आपने करवाया ना बस बिल्कुल ठीक है। मन में एक भाव भी मत आने दो कि क्या होगा, अगर हमारे मन में डर आ रहा है, चिंता आ रही है, तो इसका मतलब विश्वास नहीं है, विश्वास नहीं है। जब विश्वास जहाँ होगा ना, वहाँ किसी और तरह का भाव नहीं होगा, वहाँ पे डर नहीं होगी, वहाँ पे कोई भी चिंता नहीं होगी। जब हम सोचते ना क्या होगा क्या होगा, रिजल्ट आने वाला है और हम चिंता कर रहे हैं अरे पता नहीं कितना रिजल्ट आएगा, क्या होगा क्या होगा क्या होगा, उसका मतलब हम कान्हा जी पे विश्वास नहीं कर रहे। चाहे फर्स्ट क्लास आए या फेल होए बंदा, उसमें कान्हा जी पे विश्वास रखो हर चीज़ में।
और जब वो विश्वास होगा उस समय डर, चिंता और किसी और तरह का भाव हमारे मन में नहीं आएगा। और जब विश्वास का दृढ़ विश्वास का हमारे अंदर भाव आने लगेगा ना, तो फिर आप देखेगा कि आपको कान्हा जी से कितनी नज़दीकी महसूस करेंगे, आप कितना मन में शांति महसूस करेंगे, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। मैं उम्मीद करती हूँ आज का विचार आपको अच्छा लगेगा। इससे रिलेटेड अगर आपके पास कोई भी कमेंट्स या सजेशन हो तो प्लीज़ हमें लिखिएगा। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। हरे कृष्णा।